इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एक्टिविटी चैनल में आपके साथ में। आज की अपडेट की बात करें, मध्य प्रदेश पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल नगरपालिका खुराई गढ़ा कोटा की मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का छूट का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिस पर बड़ी निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि शासन स्तर पर आने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। वहीं महापौर के लिए एक और पार्षद के लिए 18 नाम निर्देशन पत्र अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्यक्रम 11 जून से शुरू हुआ है और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 18 जून दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। वहीं ई नगरपालिका पोर्टल और अमृतमय ऐप से संबंधित प्रशिक्षण को भी संपर्क कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के कारण प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता में छूट के प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन स्तर से प्राप्त होने पर ही उस पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि सभी विभाग आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अध्ययन कर ले। आचरण संहिता के प्रावधानों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ही विशिष्ट आकस्मिकता की स्थिति से आयोग को छूट का प्रस्ताव भेजे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन से इस जानकारी से विभागाध्यक्ष संभागायुक्तों कलेक्टर्स एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है। तो ये सब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।